अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। CCS यूनिवर्सिटी के बृहस्पति भवन में आज सम्मान फाउंडेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस पर उजाला बांट लो कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दृष्टिहीन और डिफरेंटली एबल लोगों के जीवन में उनका मनोबल बढ़ाने और उनको सम्मानित करने के आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती, चौधरी चरण सिंह एवं महान लुईस ब्रेल की फोटो पर दीप प्रज्वलित व उन्हें पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत गुलदस्ते देकर किया गया। इस अवसर पर द अकेडमी MSM स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन सम्मान फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद गुलजार सैफी और उपाध्यक्ष सोनू कपूर, CCS यूनिवर्सिटी की प्रो VC प्रोफेसर विमला द्वारा किया गया। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए उनके जज्बे की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता, उप कुल सचिव अरुण यादव, रवि कुमार दिनकर, अनिल कुमार त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर विकलांग छात्र छात्राओं को ब्रेल अध्ययन सामग्री देकर सम्मानित किया गया। साथ ही रियासत अली और अमित शर्मा विकलांग साथियों को उनके विकलांग उत्थान के लिए किए गए कार्यों हेतु लुईस ब्रेल अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं क्या कहना है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रो VC विमला का। डिफरेंटली एबल्ड भी एबल्ड है और एबल्ड तो अपने आप को एबल्ड समझते ही हैं, चाहे वो भी डिफरेंटली ही एबल्ड हो। मेरा यही कहना है कि समाज में हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य को पूरा ही समझकर साथ लेकर चलना चाहिए, तभी जब हम सब एक साथ विकसित होंगे तो सारे समाज का विकास होगा और इस देश का भी। और साथ ही ये भी जान लेते हैं कि क्या कहना है सम्मान फाउंडेशन के अध्यक्ष गुलजार सैफी और उपाध्यक्ष सोनू कपूर का। मेरा नाम मोहम्मद गुलजार सैफी है और मैं सम्मान फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और ये कार्यक्रम उजाले बाटलो नाम से करते हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो महान लुईस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट का निर्माण किया था उससे पूरी दुनिया में जो ब्लाइंड लोग हैं, दृष्टिहीन दृष्टि बाधित हैं, इस वजह से ही वो पढ़ पाते हैं। तो हमें लगता है कि उन्होंने बहुत उजाले बाँटने का काम किया है, उस कड़ी को हम आगे बढ़ाने का हमारा बहुत छोटा सा प्रयास है। बिल्कुल, देखिए जो इंक्लूसिव सोसाइटी को हम प्रमोट कर रहे हैं कि जो विकलांग लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, क्योंकि अब जो विकलांग है एक पुरानी धारणा चली आ रही है तो बेचारा ऐसे ही रहेगा। वी डोंट लाइक बेचारा शब्द, बेचारा अच्छा नहीं है। मैं आपके जैसा हूँ, आप मेरे जैसे हैं, मैं थॉटफुल हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को बेचारा कहूँ। यही हमारा एक मैसेज है कि विकलांग और फिट लोग साथ में मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ये ना सोचें कि ये विकलांग है इनको तो मुख्य धारा में ये काम नहीं कर सकते। जो वो कर सकते हैं, जो उनमें स्पेशल एबिलिटी है, जो सो कॉल्ड एबिलिटी, तो उसको आप लोग प्रमोट करें, उसको आप लोग कोऑपरेट करें। मेरा नाम सोनू कपूर है और ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उजाले बाँट लो आज, इसका एक मेन मकसद ये है कि जो फिट लोग हैं और जो डिसेबल लोग हैं, जो दृष्टिहीन दृष्टिबाधित है और या दूसरी तरह से फिजिकल डिसेबल है, चल नहीं सकते हैं, जिन किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, ऐसे लोगों को आम पब्लिक यानी कि आम समाज से जोड़ा जा सके ताकि एक इंक्लूसिव सोसाइटी बन सके, जिससे कि जो विकलांग लोग हैं वो अपने आप को अलग, दूसरों से अलग ना समझें, उनमें ही अपने आप को महसूस करें। हमें लोग बहुत सारे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, कुछ लोग डिफरेंटली एबल कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें कुछ मत समझें, लेकिन हमें इंसान समझें। हम आप में से ही एक हैं, हम कोई अलग नहीं हैं। ईश्वर ने हमें ऐसे बनाया है, वो हमें स्वीकार है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें इंसान समझें, हमें कुछ और ना समझें। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।